आपका स्वागत है आज के योग के अभ्यास में। आज हम कुछ ऐसे आसन करेंगे जो किसी भी समय किए जा सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले अपने मैट पर पीठ के बल लेट जाएं। बहुत ही आराम से नीचे कोनी के बल लेटें। अब अपने दोनों घुटने मोड़ें और हाथों से उन्हें अपनी तरफ खींचे पवन मुक्तासन में। इधर ही बने रहें कुछ देर। सामान्य रूप से सांस लें। अब अपनी दाएं टांग सीधी रखें। बाएं टांग को अपनी तरफ खींचें अर्ध पवन मुक्तासन में। दाएं टांग को सीधा रखते हुए अपनी बाएं पैर को पकड़ें। घुटने को 90 डिग्री एंगल में मुड़ा हुआ रखें अर्ध आनंद बालासन में। आप अपनी दाईं टांग को मोड़कर पैरों को मैट पर भी रख सकते हैं। अब अपनी बाएं टांग को मैट पर रखें। दाएं घुटने को मोड़ें और अर्ध पवन मुक्तासन में दाएं घुटने को अपनी ओर खींचें। आपकी बाएं टांग बिल्कुल सीधी रहेगी। अर्ध आनंद बालासन में आए। दाएं पैर को रूफ की तरफ पॉइंट करते हुए दाएं हाथ से पकड़ें और अपनी ओर खींचें और दाएं घुटने को 90 डिग्री एंगल में रखें। बाएं टांग को घुटने से मोड़ें और अपने बाएं पैर को मैट पर रखें। अब हम सेतु बंधासन करेंगे। अपने दोनों घुटनों को मोड़कर पैरों को मैट पर जमाएं। तो अपने दोनों बाजुओं को भी मैट पर प्रेस करें नीचे की ओर और अपने पेल्विक एरिया को ऊपर की ओर उठाएं। ऐसा 3 बार करेंगे। तीसरी बार में सेतु बंधासन को मेंटेन करने के लिए अपने हाथों को इंटरलॉक करें अपनी बैक के नीचे। दोबारा दोनों टांगे मोड़ें और घुटनों को अपनी ओर खींचे पवन मुक्तासन में। इस बार सर को घुटने से टच कराएं। यहीं पे बने रहें कुछ देर। अपनी जांघों को पीछे की ओर से पकड़ते हुए रोल करके ऊपर की ओर उठें। यहां पे हम तितली आसन में आएंगे। तो दोनों पंजों को पकड़ें, आपस में जोड़ें और अपनी ओर खींचें। अपनी बैक को बिल्कुल सीधा रखें।
आंखें बंद करें, सामान्य रूप से सांस लें, कुछ देर यहीं बने रहें। अपने दाएं टांग को सीधा करें, बाएं पैर को दाएं जांघ पर लगाएं, जानू शीर्षासन में दोनों हाथों से सांस लेते हुए ऊपर उठाएं उन्हें और सांस छोड़ते हुए अपने दाएं पैर को पकड़ें। पूरी तरह नीचे नहीं झुकेंगे, अपने सिर्फ आधा झुककर अपने पैर को पकड़ें और पैरों की तरफ देखें। अब यही आसन हम दूसरी तरफ करेंगे। अपनी बाएं टांग को सीधा करें, दाएं पैर को बाएं जांघ के साथ लगाएं, दोनों हाथ ऊपर उठाएं सांस लेते हुए और सांस छोड़ते हुए अपने बाएं पैर को पकड़ें और आधा झुकें और यहां से अपने पैर की तरफ देखें। अब आगे की ओर आकर पेट के बल अपने मैट पर लेट जाएं। हम कुछ आसन यहीं करेंगे, तो अपने दोनों हाथों को आगे की ओर लेकर आएं। कोनी से लेकर हाथ तक आप मैट पर जमाएं और आपके पैर मैट पे पीछे की ओर पॉइंट करते हुए अपने कंधों को ऊपर की ओर उठाएं सलम भुजंगासन में। यहीं बने रहें, आपकी ठुड्डी मैट के पैरेलल रहेगी। अपनी गर्दन को ऊपर की ओर उठाएं, कंधों से थोड़ा दूर रखें, सामान्य रूप से सांस लें यहां पर। अब अपने सर को बाएं हाथ के ऊपर रखें, हम क्वाड स्ट्रेच करेंगे। अपनी दाएं घुटने को मोड़ें और दाएं पैर को दाएं हाथ से पकड़ें और अपनी ओर खींचें। हम इतना ही खींचेंगे कि हमारी जांघ मैट पर जमी रहेगी, आपका सर आपके हाथ पर टिका रहेगा। सामान्य रूप से सांस लें यहां पर। अब यही हम दूसरी तरफ करेंगे। अब अपने सर को दाएं हाथ पर टिकाएं, दाएं टांग सीधी, बाया घुटना मोड़ें और बाएं पैर को बाएं हाथ से पकड़ें और हल्के से अपनी ओर खींचें। अब दोनों टांगों को पीछे की ओर पॉइंट करें, हाथों को मैट के दोनों कॉर्नर्स पर रखें और ऊपर की ओर उठें भुजंग आसन में। अपनी कोनियां यहां पर हम सीधी रखेंगे, अपने शोल्डर्स रिलैक्स्ड रखें, आपकी ठुड्डी मैट के पैरेलल हो, आंखें बंद रखें और यहीं बने रहें। अब धीरे से नीचे आएं और रोल करके अपने शरीर के साइड पर आ जाएं, राइट साइड पर आ जाएं। यहां पे हम साइड सील पोज करेंगे, तो साइड से ऊपर की ओर उठें, आपकी टांगें एक के ऊपर एक स्टैक रहेंगी और दोनों हाथों को मैट पर दबाएं। इससे हमारी साइड बॉडी को स्ट्रेच मिलेगा राइट साइड पर। यहीं बने रहें।
अब यही अभ्यास हम दूसरी तरफ करेंगे, तो अपने पैरों को मैट की दूसरी तरफ ले आएं, पैरों को एक दूसरे के ऊपर स्टैक करें, हाथों को मैट पर दबाएं और यही सेम स्ट्रेच आप लेफ्ट साइड पे अब महसूस करें, तो आपकी बाई साइड बॉडी की मैट पर रहेगी। यहाँ पे ज्यादा स्ट्रेच आपको आपकी कमर पर ही महसूस होगा। दोनों कोनियां सीधी रखें और हाथों को मैट पर प्रेस करें इस पोस्चर में बने रहने के लिए। अब अपने घुटनों और हाथों के बल मैट पर आएं भ्रमण आसन में। यहाँ से हम मर्जरी आसन करेंगे, तो अपनी कमर को नीचे की ओर मोड़ें, सांस लें, ऊपर देखें, सांस छोड़ते हुए ठुड्डी को छाती के साथ लगाएं और कमर को ऊपर की ओर मोड़ें। इसे 3 बार करें। अब अपने हाथों को मैट पर जमाते हुए दाएं टांग को सीधा करें और घुटने को अब दोनों हाथों के बीच में लाएं और अपने बाएं पैर को पीछे की ओर पॉइंट करें कपोत आसन में। अब अपने दोनों कोनियों को आप मैट पर रख सकते हैं और थोड़ा नीचे की ओर मुड़ सकते हैं कपोत आसन में बने रहने के लिए थोड़ी देर। अब वापस ऊपर उठें भ्रमण आसन में या टेबल टॉप पोज में। अपने बाएं पैर को या बाएं टांग को सीधा करें, बाएं घुटने को मोड़ें और उसे हाथों के बीच में रखें। अब हम कपोत आसन करेंगे बाईं तरफ। आपकी दाएं पैर, आपकी दाएं टांग बिल्कुल सीधी रहेगी और दायां पैर पीछे की ओर पॉइंट करेगा। अपनी कोनियों पर आएं और थोड़ा सा आगे की ओर झुकें, यहीं बने रहें। फिर से भ्रमण आसन में आए या फिर टेबल टॉप पोज में। यहाँ से हम डाउनवर्ड डॉग या फिर अधोमुख श्वानासन करेंगे। उसके लिए अपने पैरों और हाथों को नीचे की ओर दबाते हुए अपने पेल्विक एरिया को ऊपर की ओर उठाएं डाउनवर्ड वी शेप में। अपनी कमर को बिल्कुल सीधा रखें, हमारी स्पाइन डाउनवर्ड डॉग में बिल्कुल सीधी रहनी चाहिए। अब हल्के से अपने पैरों को आगे की ओर चलाते हुए अपने हाथों को इंटरलॉक करें और बदहस्त उत्तान आसन में आ जाएं, यानी डैंगलिंग पोज में आएं और अपनी कमर को आगे पीछे डैंगल करें। ये आसन हमारी रीढ़ की हड्डी पे असर करता है और बहुत ही रिलैक्सिंग पोस्चर होता है। अब वापस हाथों को मैट पर रखें और यहीं से हाथों को और पैरों के बीच में दूरी बनाते हुए फिर से अधोमुख श्वानासन में आएं।
अपने घुटनों को मोड़े, टेबल टॉप पोज में आए। अब धीरे से अपने घुटनों के बल ऊपर खड़े हों। यहाँ से हम उष्ट्रासन करेंगे। अब अपने दोनों हाथों को कमर पर रखें, धीरे धीरे पीछे की ओर मुड़ें और उतना ही करें जितना आपका शरीर आपको अलाउ करे। पीछे मुड़ते हुए अब अपने बाएं हाथ को घुमाएं और बाएं एड़ी को पकड़ें। अगर यहाँ पे आप कंफर्टेबल हैं तो अपने दाएं हाथ को भी घुमाएं और दाएं एड़ी को पकड़ें। पूरा पीछे की ओर मुड़ें, पेल्विक एरिया को आगे की ओर लेकर आएं और उष्ट्रासन में खिंचाव महसूस करें अपनी गर्दन, छाती और पेट पर। आपके कंधों को भी यहाँ पे एक अच्छा खिंचाव महसूस होगा। आपकी ठुड्डी रूफ की ओर पॉइंट करेगी। इसमें बने रहें कुछ सेकंड्स और उतना ही जितना आपका शरीर अलाउ करे। अब धीरे से एक एड़ी को छोड़ें और कमर को सपोर्ट करें, फिर दूसरी एड़ी को छोड़ के अपनी कमर को पकड़ें और आगे की ओर भ्रमण आसन में आएं। दोनों घुटनों के बीच में गैप लाते हुए हम यहाँ पे प्रसरित बालासन करेंगे। अपनी एड़ी पर बैठ जाएं और हाथों को आगे की ओर चलाते हुए अपने माथे को मैट पर टिका दें। अब इसी आसन में 2 से 3 मिनट तक बने रहें। ये एक बहुत ही रिलैक्सिंग पोस्चर है। ज़्यादातर इसे करने के बाद शवासन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, पर अगर आपको ज़रूरत लगे तो आप इसके बाद शवासन भी कर सकते हैं। यहीं पे बने रहें कुछ देर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद आज के अभ्यास में मेरे साथ जुड़ने के लिए। अपना फीडबैक कमेंट्स में ज़रूर दें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपसे जल्द ही मिलूंगी एक नए अभ्यास के साथ।